तो गाइस आपसे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करनी है। अभी सैमसंग ने बहुत चुपके से एक डिवाइस लॉन्च किया था, सैमसंग गैलेक्सी M55S 5G, और मैंने इसका डेडिकेटेड वीडियो बना दिया था। तो भाई उस वीडियो पे बहुत ज़्यादा हेट देखने को मिल रही है कि भाई तुम सैमसंग को समझते नहीं हो, सैमसंग इज द ब्रांड, पता नहीं भाई लोग क्या क्या बोल रहे हैं। भाई देखो सैमसंग M55S बिल्कुल रीब्रांड वर्जन है M55 5G का, जो कि बंद हो गया, इतना वाहियात डिवाइस था। इन्होंने सिर्फ बैक पैनल चेंज किया, M55 5G को देखो, M55S 5G को देखो, तो सिर्फ बैक पैनल चेंज हुआ है, इंटरनल हार्डवेयर बिल्कुल सेम है। उसके बाद भी भाई लोगों को समझ में नहीं आ रहा, मेरे को ये चीज़ बिल्कुल ही समझ में नहीं आ रही, उस पर इतना हेट क्यों आ रहा है। सबसे पहली चीज़ भाई देखो, यदि मेरे को झूठ बोलना होता तो मैं बोलता था स्पेसिफिकेशंस बहुत अच्छे हैं। यदि आप पेपर पे देखो, सुपर एमोलेड डिस्प्ले है, 45 वॉट की चार्जिंग है, कैमरा में मेगा पिक्सल अच्छे है, चाहे फ्रंट कैमरा हो चाहे बैक कैमरा हो। बट भाई मैंने M55 5G को परचेस किया और भाई पूरा पेन, मतलब इसे बोलते ना एक यूजर परचेस करता है, मैं परेशान हो गया था भाई उस डिवाइस से। 2 दिन के अंदर भाई मैंने देख लिया था डिवाइस में बहुत ज़्यादा इश्यूज हैं, और आपको बस 7 दिन की एक रिटर्न विंडो मिलती है, रिप्लेसमेंट या रिटर्न विंडो। यदि आपका 7 दिन वाला जो टाइम पीरियड है वो निकल गया, ठीक है, तो उसके बाद आप कितने भी चक्कर काट लो बड़ा मुश्किल होता है सर्विस सेंटर वालों को कन्विंस करना कि भाई डिवाइस में इशू है, आपको नया डिवाइस दे या फिर आपको रिफंड प्रोवाइड करें, बहुत ही मुश्किल है। M55 5G को खरीदा 2 दिन में, मेरे को कैमरा में इशू समझ में आ गए, स्नैपड्रैगन 7 Gen 1 बिल्कुल भी ऑप्टिमाइज नहीं, वो समझ में आ गया। 2 दिन के बाद सर्विस सेंटर लेके गया, फिर सर्विस सेंटर वालों ने 1.5 दिन मेरे को उनको कन्विंस करने में लगा कि भाई ये जो है उसमें फॉल्ट है डिवाइस के अंदर। भाई पहले मेरे को ये लग रहा था हो सकता है मेरे ही यूनिट में फॉल्ट हो, तो भाई उन्होंने फिर मेरे को DOA सर्टिफिकेट दिया, डेड ऑन अराइवल। उसके बाद 7 दिन के अंदर ही सारी प्रोसेसिंग हुआ और मेरे को नया रिप्लेसमेंट यूनिट मिला M55 5G का। तो मेरे को लगा भाई चलो अब सारे इशू सही हो जाएंगे, भाई फिर से M55 में वही इशूज आने लग गए। तो मेरे को समझ में आ गया भाई ये M55 सीरीज की ही कमी है, और इसीलिए मैं ही नहीं, आप अमेजोन पे फ्लिपकार्ट पे कहीं भी जाओ, इतने गंदे रिव्यूज आपको देखने को मिलेंगे उसके। स्नैपड्रैगन 7 Gen 1 और जो कैमरा है उसका बिल्कुल भी कोई लिंक नहीं है, कैमरा UI बहुत खतरनाक लैग करता है, एक्सपोजर हंटिंग के इश्यूज होते हैं, 4K 30fps वीडियो रिकॉर्ड करोगे डिवाइस बहुत गर्म होता है, डिवाइस एकदम फ्रीज और हैंग हो जाता है। ये मैंने सारा मेरे वीडियोस बनाए हुआ है, जाके जरूर चेक करो, मैंने परचेस करके वीडियोस बनाए हुए हैं। तो भाई आपको एक जेन्युइन चीज़ बता रहा हूँ, भाई अपना पैसा बचाओ, 18,000 रुपये जो सैमसंग अभी M55 चार्ज कर रहा है वो आप एक बार सोच के देखो। कुछ टाइम पहले M55 लॉन्च किया था 30,000 रुपये का, अब उन्होंने कुछ ही टाइम बाद M55 S 5G लॉन्च किया सेम स्पेसिफिकेशन के अंदर और प्राइस 18,000 रुपये रख दी, 30,000 से 18,000 भी लॉन्च के टाइम पे, इतनी कम प्राइस। भाई ये सैमसंग को भी पता है कि एकदम वाहियात रद्दी डिवाइस है, दोनों जगह से डिसकंटिन्यू हो चुका है, फ्लिपकार्ट BBDC सेल आ रही है तो लोग देखेंगे 18,000 रुपये में भाई सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिल रही है, 45 वॉट की चार्जिंग मिल रही है, आपको एक 50 मेगापिक्सल का OIS कैमरा मिल रहा है, हार्डवेयर स्पेसिफिकेशंस आपको पेपर पे अच्छे लगेंगे और आप परचेस कर लोगे। उसके बाद आपकी 7 दिन की जो रिटर्न विंडो है वो एक्सपायर हो गई, फिर भाई कुछ भी कितना भी दम लगा लो परेशान ही हो गए, डिवाइस से परेशान हो जाओगे, कैमरा चालू करोगे इसमें इशूज आ जाएंगे, कैमरा की UI में इशूज आएंगे, फिर आप बस कंप्लेन ही करते रह जाओगे ट्विटर पे या सर्विस सेंटर पे जाके, लेकिन आपका डिवाइस ना तो रिफंड होगा ना रिप्लेस होगा। तो भाई आपको उन चीज़ों से बचा रहा हूँ, इस डिवाइस पे सीरियस इश्यूज हैं, सैमसंग उसको बार बार रीब्रांड करके लॉन्च करे जा रहा है, प्राइस रिड्यूस करके कर दिया है। भाई ये भी 18,000 रुपये का मिल रहा है, ये 15,000 रुपये का भी मिले ना तो भी मत परचेस करना। स्नैपड्रैगन 7 Gen 1 सैमसंग ने ही फैब्रिकेट किया है, 3-4 साल पुराना प्रोसेसर है और एकदम वाहियात इसकी इमेज सिग्नल प्रोसेसिंग है, वीडियो में UI लैग करता है, इसका जो आप कैमरा UI है वो लैग करेगा। आपको यदि यकीन नहीं हो रहा तो भाई मेरे चैनल पे जाओ, वहाँ पे मैंने सैमसंग गैलेक्सी M55 5G के डेडिकेटेड वीडियोस बनाए हुए हैं, उनको जाके देखो भाई आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि भाई सैमसंग ब्रांड को मैं हेट कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा भी नहीं कि सैमसंग के सारे फोन्स अच्छे होते हैं, इवन तो उनका हार्डवेयर स्पेसिफिकेशन अच्छा लग रहा है पेपर पे, बट भाई रियलिटी में कहानी कुछ और ही है और आपको बताना जरूरी था। भाई मेरे को समझ में नहीं आ रहा लोग हेट क्यों कर रहे हैं, मेरा उसमें चीज दिमाग खराब हो रहा है, बट भाई सच्चाई जो है वो मैंने आपको बता दी है। और बाकी गाइस आपके ऊपर है, यदि आपको पैसा बर्बाद करना है तो आप 18,000 रुपये देके सैमसंग M55 5G डिवाइस खरीद सकते हो, बट मेरा रिकमेंडेशन अभी भी यही है, यदि आपको सैमसंग ही खरीदना है तो M35 5G खरीद लो, यदि सैमसंग का नहीं खरीदना है तो भाई आप रियलमी खरीद लो, रियलमी का बहुत अच्छा डिवाइस है, 70 Turbo भी आ रहा है वो भी अच्छा डिवाइस है, इसी सीरीज में रियलमी का 70 सीरीज है वो भी खरीद सकते हो, तो भाई वो ज़्यादा मच बेटर डिवाइसेस इन कंपैरिजन टू सैमसंग गैलेक्सी M55 S 5G। बाकी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ भाई आपका क्या कहना है और क्या आप इस डिवाइस को खरीदोगे इतने सारे प्रॉब्लम्स को होने के बाद देखने के बाद ही, बस सैमसंग की ब्रांड वैल्यू पे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और यदि कोई वीडियो बिंदास तो कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ लेना। तो गाइस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेके, बाय बाय, सी यू।